नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संपन्न हो गया है। अपने सारे आधिकारिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद पीएम मोदी आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस 3 दिन की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा तकनीक, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिहाज से काफी अहम रही है। विदेश सचिव ने कहा कि आज के युग में तकनीक ही विकास की मुख्य ड्राइव फोर्स है। विदेश सचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में संघर्षों, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य की वैश्विक चुनौतियों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक पर चर्चा हुई। वहीं विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव कल्याण की पहल को साझा करने को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की। 1 महीने के अंदर दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात रही। यूक्रेन के साथ वार्ता के दौरान भारत द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टू लाम से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में हुई दोनों नेताओं की इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी में तेजी लाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने वैश्विक समृद्धि का भारत का विजन रखा। पीएम ने कहा कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाल कर रख दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। पीएम ने कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। पीएम ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वप्रथम बताया। पीएम ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक सेतु होना चाहिए, अवरोध नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में सुधार पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी के राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार सोमवार शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 5 जिलों के 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। जिला रियासी में मतदान कर्मी वोटिंग मशीन के साथ मतदान स्थलों के लिए रवाना हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में कल 25 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारियां आखिरी दौर में है। वहीं 1 अक्टूबर को आखिरी दौर के मतदान से पहले सियासी दलों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर की चुनावी सरगर्मी को और बढ़ाएंगे। गडकरी आज कठुआ, उधमपुर और जम्मू में रैली करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज श्रीनगर में फिर प्रचार अभियान की कमान थामेंगे। राहुल गांधी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे।
वहीं हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रखी है। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। अपनी उपेक्षा से नाराज कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। हालांकि कुमारी शैलजा की नाराजगी से भूपेंद्र हुड्डा ने इनकार किया है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और नासिक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही उनके साथ चुनावी रणनीतियों पर बात करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग की 12 सदस्यीय टीम ने रांची में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। आयोग की टीम ने पहले दिन राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, विभिन्न एजेंसियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की टीम के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों का आकलन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आसियान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की 16वीं सभा की बैठक का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर चर्चा होगी। सम्मेलन में 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सर्दी के आगामी मौसम को देखते हुए विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मुद्दे के समाधान में हितधारकों की तत्परता का आकलन किया गया। बैठक में धान की पराली जलाने, वाहन उत्सर्जन, सड़क और निर्माण धूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डीजल जनरेटर सेट सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए जारी प्रयासों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 10 सितंबर को सुनवाई टाल दी थी। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई में सभी नियुक्तियों को रद्द करना नासमझी बताया था और कहा था कि वैध और अवैध भर्तियों को अलग करने की जरूरत है। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद में एक बार फिर 28 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और प्रशासन को भी मामले में तुरंत कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच संजौली मस्जिद विवाद मामला कोर्ट में भी चल रहा है और शिमला नगर निगम की आयुक्त कोर्ट में 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होनी है। नई दिल्ली में सोमवार को 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन की शुरुआत हो गई। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संसद ने देश हित में कई ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया, जिसकी वजह से विकास की गति तेज हुई है। भारतीय नौसेना दुनिया का चक्कर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना की 2 युवा महिला अधिकारी 2 अक्टूबर को 21,600 नॉटिकल माइल्स से अधिक की यात्रा पर रवाना होंगी, जो 8 महीने तक चलेगी। भारतीय नौसेना का नौकायान पोत तारिणी इन जाबाज अधिकारियों को कैप लिविन, कैप हॉर्न और कैप ऑफ गुड होप के खतरनाक रास्तों से होकर गुजरेगा। 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले विश्व युद्ध में भारतीय थल सेना की 3 कैवेलरी रेजिमेंटों ने इजराइल शहर हैफा को ऑटोमन राज्य से आजाद कराया था। दिल्ली के हाइफा चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।
दिल्ली में संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों, अपर महानिदेशक और उप महानिदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान बताया गया कि आने वाले वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 17 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस ने इंटरनेशनल जाली नोटों का कारोबार करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के 10 शातिर अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड सपा पार्टी से जुड़ा एक नेता है। पुलिस ने इनके पास 5,62,000 की जाली नोटों के साथ 10 तमंचे और अन्य सामान बरामद किया है। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एचटीएफ के 400 से ज्यादा उग्रवादी आज एक आयोजन के दौरान सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकार और इन दो संगठनों द्वारा 4 सितंबर को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके 3 सप्ताह बाद आज सरेंडर किए जाने की उम्मीद है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डाले। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मुथूट फाइनेंस इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भले, हाँ पुट्टी भले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जुलाई में 19.94 लाख सदस्य जोड़े। ये अप्रैल 2018 के पेरोल डाटा शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा मासिक संख्या है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नई सदस्यता में उछाल का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और EPFO के सफल आउटरीच कार्यक्रमों को दिया जा सकता है। सरकार ने हाल ही में एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने के बाद खुदरा कीमतों में आए उछाल को देखते हुए थोक बाजारों में बफर स्टॉक से बिक्री बढ़ाकर प्याज की कीमतों पर लगाम कसने की कोशिश तेज कर दी है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने बफर स्टॉक से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री की है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि चालू खरीफ सत्र 2024-25 में अब तक धान की बुआई का रकबा 2.22% बढ़कर 413.50 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकारी कंपनी NBCC की इकाई HSCC को बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल के निर्माण का 1,261 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। फॉक्सकॉन समर्थित वाहन प्रौद्योगिकी कंपनी सिलिकॉन ऑटो ने बेंगलुरु में अपना अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र वाहन क्षेत्र के लिए सेमीकंडक्टर उत्पाद डिजाइन करेगा और सिस्टम ऑन चिप के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। दुनिया भर में कमजोर मांग के चलते देश से रत्न और आभूषण के निर्यात में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 में सालाना आधार पर रत्न आभूषण निर्यात 18% घटकर 2.01 अरब डॉलर रह गया।
रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के मुताबिक मासिक आधार पर निर्यात में तेजी देखने को मिली है। जुलाई में देश से 1.66 अरब डॉलर मूल्य के रत्न आभूषणों का निर्यात किया गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को KPMG इंडिया ESG उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला है। यह सम्मान पर्यावरण के प्रति HUL की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूको बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत की है। यूको बैंक के MD CEO अश्विनी कुमार ने कहा कि इसके लॉन्च के साथ कुछ डिजिटल कर्ज उत्पाद पेश किए गए हैं। 4 लाख रुपए तक का प्री क्वालिफाइड पर्सनल लोन अब 30 सेकंड में मिल जाएगा। भारतीय रियल एस्टेट बाजार में मंदी का कोई संकेत नहीं है, वहीं आवास की मांग सदाबहार और मजबूत बनी हुई है। रियल्टी क्षेत्र के शीर्ष संस्था क्रेडाई और रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया का कहना है कि भारतीय रियल एस्टेट बाजार का आकार 2047 तक कई गुना बढ़कर 5 से 7 लाख करोड़ डॉलर पहुंच सकता है। PNB ने शेयर बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य 109 सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने पात्र संस्थागत नियोजन के जरिए बिक्री के लिए 109.16 रुपए प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य तय किया। PNB ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि निदेशक मंडल ने निर्गम के संबंध में आवेदन पत्र के साथ प्रारंभिक नियोजित दस्तावेज को मंजूरी दे दी है और उसे अपना लिया है। सौर पैनल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जीज और डिजिटल भुगतान फर्म वन मोबिक क्विक सिस्टम को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की मंजूरी मिली। ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड की इकाई ने खुदरा आभूषण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सैंको गोल्ड के शेयर खुले बाजार में लेन देन के जरिए 75 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेचे। ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने सैंको गोल्ड में हिस्सेदारी खरीदी। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष तेज, इजरायली सेना ने 2006 के बाद लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 490 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हमले में 1600 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेबनान की ओर से जारी बयान में इसकी पुष्टि की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि उसने अब तक हिजबुल्ला के करीब 1300 ठिकानों को निशाना बनाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लेबनान के लोगों से कहा है कि इसराइल का युद्ध लेबनान के आम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हिजबुल्ला के साथ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बहुत लंबे समय से हिजबुल्ला आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू ने संकट की घड़ी में इसराइल के लोगों से एकजुट रहने का आग्रह किया है। तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सेना भेज दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आग्रह भी किया है और तनाव कम करने के लिए इसराइल और लेबनान दोनों से संपर्क किया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने महासभा में भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सदस्य देशों से वीटो पावर को सुधारने और समाप्त करने का आह्वान किया। गैब्रियल बोरिक ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसे दुनिया के सामने बना है जो अब मौजूद नहीं है। साल 2024 नहीं है। उत्तर अमेरिका में मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने 43 लापता मैक्सिकन छात्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान एक सरकारी इमारत पर पटाखे भी फेंके गए। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने इसराइल पर पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध को भड़काने और तेहरान को एक बड़े संघर्ष में धकेलने के लिए जाल बिछाने का आरोप लगाया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने कहा कि वह लड़ाई नहीं चाहते हैं। इसराइल सभी को युद्ध में धकेलने और क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां वह जाना नहीं चाहते।
45वें चैंपियंस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। ऐतिहासिक जीत के बाद भारत वापस लौटने पर चेन्नई में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। हाथ देकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों का हिस्सा रहे भाई बहन आर प्रगनानंदा और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने कहा, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता, यह हम सभी के लिए बहुत गर्व का क्षण है। यह जीत शतरंज को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगी। स्वर्ण पदक जीतने पर ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने कहा, स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं। यह एक ऐतिहासिक क्षण की तरह है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार पुरुष और महिला दोनों टीमें अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहीं। पैतालीसवें फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायण ने ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने की यात्रा को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। जीत के बाद स्वदेश पहुंचे श्रीनाथ भारतीय पुरुष टीम के कप्तान नारायणन ने कहा, यह एक बहुत ही सहज यात्रा रही है। हम 10 मैच जीते और शुरू से ही बहुत प्रभावशाली जीत हासिल की और यह सब कुछ सहजता से हुआ। सुभाषिश बोस के 2 गोल की मदद से मोहन बागान ने 1 गोल से पिछड़ने के बावजूद इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 3-2 से शिकस्त दी। आज से मकाओ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है। प्रतियोगिता में 23 सदस्य भारतीय दल हिस्सा ले रहा है। पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। कोल्डप्ले साल 2025 की शुरुआत में अपने म्यूजिक ऑफ द स्पियर्स टूर के दौरान भारत में परफॉर्म करेगा ये लोकप्रिय बैंड। 18, 19 और 21 जनवरी को DY पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करेगा। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 द रूल की नई रिलीज डेट जारी। फिल्म 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले यह फिल्म अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हॉरर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म स्त्री 2 का धमाल बॉक्स ऑफिस पर लगातार जारी है। स्त्री 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। वहीं दुनिया भर में मूवी 800 करोड़ के पार जा चुकी है। पूजा एंटरटेनमेंट के वासु भगनानी और जैकी भगनानी ने फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें उन पर बड़े मियां छोटे मियां के निर्माण के दौरान पैसे की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। आमिर खान प्रोडक्शंस के प्रोडक्शन में बनी लापता लेडीज को ऑस्कर में एंट्री मिलने पर आमिर खान ने कहा कि हम सभी इस खबर से बहुत खुश हैं, मुझे किरण और उनकी पूरी टीम पर बहुत गर्व है। फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर के लिए नामित होने पर अभिनेता और सांसद रवि किशन काफी उत्साहित हैं। उन्होंने यह विश्वास जताया कि फिल्म केवल नामित ही नहीं हुई है बल्कि ऑस्कर पुरस्कार भी जीतेगी। टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 18 का नया प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें हॉस्ट सलमान खान बीबी 18 के प्रीमियर डेट और टाइम की जानकारी देते दिख रहे हैं। यह शो 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है।
कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता विराज घिलानी ने जवान फिल्म के अपने काम के अनुभव को लेकर की गई टिप्पणी पर सफाई पेश की और एटली कुमार को सबसे प्यारा बताया। दरअसल एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी निराशा जताते हुए फिल्म के सेट को अपना सबसे ज्यादा बुरा अनुभव बताया था। पारस फैशन वीक 2024 में अपनी बेटी आराध्या के साथ नजर आई अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन। पारस फैशन वीक में ऐश्वर्या ने ब्लैक स्टिलेटो के साथ एक लंबा ब्लेजर कोट पहना हुआ था, जबकि आराध्या ने अपनी मां से ही मिलता जुलता लुक अपनाया। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता के लिए सांता क्रूज के गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा रखी गई। इस प्रार्थना सभा में मलाइका के करीबी और दोस्तों ने भाग लिया। इस दौरान प्रार्थना सभा में बॉलीवुड के कई सितारे भी नजर आए। खतरों के खिलाड़ी 14 के ग्रैंड फिनाले पर आलिया भट्ट अपनी फिल्म जिगर का प्रमोशन करती नजर आएंगे। चैनल की ओर से शिल्पा शिंदे के साथ एक्ट्रेस की बातचीत का एक प्रोमो भी सामने आ चुका है, जिसमें आलिया भट्ट सिंघम बन एंट्री करती हैं। हाउस हेल्पर से मारपीट करने के आरोप के बाद अभिनेत्री पार्वती नायर ने जारी किया आधिकारिक बयान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताते हुए अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताया। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने अपनी बेटी के करियर के बारे में बात करते हुए कहा कि वो खुद को एक गौरवान्वित पिता के रूप में देखते हैं जब वह बच्चों को इस तरह तरक्की करते देखते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।